हेलो एवरीवन, द टॉपिक ऑफ टुडे इज प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी इंट्रोडक्शन कि प्लांट ग्रोथ राइजोबैक्टीरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी। तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, द टर्म प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया फॉर बेनिफिशियल माइक्रोब्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई क्लॉपर विद ब्लू स्कॉट इन 1981। The term plant growth promoting bacteria refer to the bacteria that colonize the roots of plants rhizospore that enhances the plant growth। मान लीजिए ये हमारा प्लांट है और इसकी ये रूट्स है, इस प्लांट की रूट्स में ये बैक्टीरिया आएगी और यहाँ से आके कुछ मटेरियल्स मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगी और प्लांट्स सब पहुँचाएगी, मतलब ऑल ओवर ये क्या करेगी, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेगी। तो दिस बैक्टीरिया इज नोन एज द प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया, तो हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया कैसे क्लासीफाई करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया एक तो होते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर प्रेजेंट है, डेट इज नोन एज द एक्स्ट्रा सेलुलर प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोस्पोर्स राइजोबैक्टीरिया। एंड नेक्स्ट वन इज इंट्रा सेलुलर प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया। द एक्स्ट्रा सेलुलर प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया में एग्जिस्ट इन द राइजोस्पोर ऑन द राइजो प्लेन और इन द स्पेस बिटवीन द सेल्स और द रूट कॉर्टेक्स। द बैक्टीरिया जेनेरा सच इज एग्रोबैक्टीरियम एजोबैक्टर आइजोस्पेरिलम बेसिलस सूडोमोनास एंसेरेटा बिलोंग टू एक्स्ट्रा सेलुलर प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो सेल के बाहर प्रेजेंट है, सेल और रूट कॉर्टेक्स के बीच में जो प्रेजेंट है, उन्हें हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर। इसके अंदर हमारे पास आते हैं एग्रोबैक्टीरियम एजिटोबैक्टर आइजोस्पेरिलम बेसिलस एंड सूडोमोनास के स्पीसीज एंड कुछ सेरिटा बिलोंग्स करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजो बैक्टीरिया से। जो इंट्रासेलुलर प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजो बैक्टीरिया है वो इनसाइड होते हैं, इनसाइड स्पेशलाइज नोडुलर स्ट्रक्चर ऑफ रूट सेल्स। द इंट्रासेलुलर प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ राइजोबिएसी बेरिडे राइजोबियम मिजो राइजोबियम एंड राइजोबियम। ये प्रेजेंट होता है इनसाइड द स्पेशल नोडुलर स्ट्रक्चर ऑफ रूट सेल्स। जो रूट सेल के स्पेशल नोडलाइक स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर इंट्रासेलुलर प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। तो प्लांट ग्रोथ राइजोबैक्टीरिया दे मस्ट बी प्रोफिशिएंट टू कॉलोनाइज द रूट सरफेस। प्रमोशन ऑफ प्लांट ग्रोथ दे मस्ट सर्वाइव मल्टीप्लाई एंड कंप्लीट विद माइक्रोबायोटा एटलीस्ट फॉर देयर टाइम नीड टू एक्सप्रेस देयर प्लांट ग्रोथ प्रमोशन प्रोटेक्शन एक्टिविटीज। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पैथोजन्स, तो वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजो बैक्टीरिया। वो प्रोफिशिएंट होनी चाहिए और रूट सरफेस पे अपनी कॉलोनी बना लेनी चाहिए, और रूट सरफेस पे कॉलोनी बनाने के बाद उनका जो मेन काम है प्रमोशन करना प्लांट की ग्रोथ का, दैट्स द मेन वर्क ऑफ द प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। वो हमेशा सर्वाइव करने चाहिए, मल्टीप्लाई करने चाहिए दूसरे माइक्रोब्स के साथ, ताकि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर सके एंड प्रोटेक्ट भी कर सके और पैथोजन को कंट्रोल कर सके, दैट इज़ द गुड प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फर्स्ट इज डायरेक्ट प्लांट ग्रोथ प्रमोशन एंड नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट प्लांट ग्रोथ प्रमोशन। हाउ दे डू डायरेक्ट प्लांट ग्रोथ प्रमोशन, डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली, बाय डायरेक्टली दे कैन डू नाइट्रोजन फिक्सेशन, फॉस्फेट सोलिबलाइजेशन, फाइटोहार्मोन प्रोडक्शन एंड साइड्रोपोर प्रोडक्शन। बाय दिस मेथड ए प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया कैन डू डायरेक्ट प्लांट ग्रोथ। लाइक इफ एनी बैक्टीरिया हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट इज डायरेक्ट प्लांट ग्रोथ, फॉस्फेट सोलिबलाइजेशन, फाइटोहार्मोन प्रोडक्शन, साइडोपोर प्रोडक्शन। एंड द इनडायरेक्ट मेथड इंक्लूड लाइटिक एंजाइम्स, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, इंड्यूस सिस्टमैटिक रेजिस्टेंस एंड एक्सोपॉलीसेक्राइड प्रोडक्शन। दिस आर द इनडायरेक्ट, बाय इनडायरेक्ट वेज दे कैन प्रोड्यूस ग्रोथ ऑफ द प्लांट और प्रमोट ग्रोथ ऑफ द प्लांट बाय लाइटिक एंजाइम्स, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, इंड्यूस सिस्टमैटिक रेजिस्टेंस, एक्सोपॉलीसेक्राइड प्रोडक्शन। तो दिस आर द डायग्राम विच शो हाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन
फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजेशन, साइडोबोर प्रोडक्शन इन द दिस डायरेक्ट दिस बैक्टीरिया हेल्प टू इंड्यूस प्लांट ग्रोथ। इस फोटोग्राफ में आपको प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया डायरेक्ट प्लांट ग्रोथ करते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ पे रूट्स हेयर्स ये प्रेजेंट है, यहाँ पे बैक्टीरिया दिस इज प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया यहाँ प्रेजेंट है, ये डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, फॉस्फेट सोलिबलाइजेशन कर रहे हैं, साइटोपोर प्रोडक्शन कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो रूट हेयर फॉर्मेशन हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ फाइटोहार्मोन, यहाँ पे लाइटिंग एंजाइम्स एंड स्केंड्री मेटाबोलाइट्स, दिस आर द लिग्नोस प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, दिस आर द लिग्नोसेलुलोसिक वॉल, लिटल रूट्स एंड देन ऑल। तो लेट अस डिस्कस इन डिटेल अबाउट द डायरेक्ट मैकेनिज्म, इन डायरेक्ट मैकेनिज्म हाउ दे डायरेक्ट इंड्यूस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। हेयर नाइट्रोजन इज द मोस्ट वाइटल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। नाइट्रोजन इज द मोस्ट वाइटल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, ऑल्सो देयर इज 78% नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर, इट इज अनअवेलेबल टू द ग्रोइंग पार्ट्स। द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्टेड इन टू प्लांट यूटिलाइजेबल फॉर्म्स बाय बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, विच अकाउंट्स 2/3 ऑफ द नाइट्रोजन फिक्स्ड ग्लोबली। तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो बैक्टीरिया है वो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने में। तो बैक्टीरिया दो टाइप्स के, एक होते हैं सिम्बायोटिक नॉन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एक नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंदर वो मेम्बर्स आते हैं फैमिली राइजोबिएसी की जो सिम्बायोसिस करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स से एंड नॉन लेग्यूमिनस ट्रीज से, जैसे कि फ्रिंकिया। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली राइजोबिएसी विच फॉर्म सिम्बायोसिस विद लेग्यूमिनस प्लांट राइजोबिया एंड नॉन लेग्यूमिनस ट्रीज फ्रिंकिया। नॉन सिम्बायोटिक फ्री लिविंग एसोसिएटिव एंडोफाइट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग फॉर्म साइनोबैक्टीरिया एनाबिना नॉनस्टॉक एजोस्पर्म एजेटोबैक्टर। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म आर जनरली कैटेगराइज्ड एज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली राइजोबिएसी विच फॉर्म सिम्बायोसिस विद, जो सिम्बायोसिस बना लेते हैं उसके साथ रिलेशन में, जैसे कि राइजोबिया नॉन लेग्यूमिनस ट्रीज। नॉन सिम्बायोटिक के अंदर आएगी हमारे पास एनाबिना नॉन स्टॉक एंड एजोस्पर्म एंड एजोबैक्टीरिया। द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय ए कॉम्प्लेक्स एंजाइम नाइट्रोजिनेस। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स एंजाइम नाइट्रोजिनेस कैरी आउट करता है। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस वॉज इलेबरेटेड बाय डीन एंड जेकॉब्सन 1992 एज ए टू कंपोनेंट मेटेलो एंजाइम। तो दिस इज द राइजोबियम एंड रूट हेयर कर्ल, दिस इज द रूट हेयर कर्ल एंड इन्फेक्शन थ्रेड गोज इनसाइड इन एंड इन्फेक्शन थ्रेड गो इनसाइड नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर। नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड ऑफ प्लांट ग्रोथ इज फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन। Phosphorus is abundantly available in soil, but the amount of available form to plant is generally low, as in majority of the soil phosphate is found in insoluble forms. Phosphate जो soil में पाई जाती है बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन वो insoluble form में होती है, और plant तो हमेशा soluble form को carry out करेगी। तो plant दो soluble form को ही carry out कर सकते हैं, एक monobasic को एक dibasic को। हेयर मोनोबेसिक मीनिंग कि यहाँ पर सिर्फ एक ही OH ग्रुप है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो PO4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, OH H, दिस इज 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3, 4 एंड एक OH ग्रुप पर जैसे हो गई मोनोबेसिक। डाइबेसिक में दो OH ग्रुप होते हैं। ऑर्गेनिज्म कपल्ड विथ फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग एक्टिविटी, ऑर्गेनिज्म कपल्ड करते हैं फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग एक्टिविटी के साथ, उन्हें हम बोलते हैं फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो प्रोवाइड करते हैं अवेलेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फेट टू द प्लांट्स एंड हेंस ए वाइबल सब्सटिट्यूएंट टू केमिकल फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स।
बैक्टीरियल जनेरा जैसे कि एजिटोबैक्टर, बैसिलस, बैजेनिका, सूडोमोनास, राइजोबियम एंड सीरिटा रिपोर्टेड टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड फॉस्फेट सोलिबलाइजिंग वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास फॉस्फेट सोलिबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो प्रोवाइड करते हैं अवेलेबल फॉस्फेट प्लांट्स को और वाइबल्स जो सब्सिट्यूट टू केमिकल फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स। बैक्टीरिया जैसे कि एजिटोबैक्टर, बैसिलस, बैजेनिका, सूडोमोनास, राइजोबियम एंड सीरिटा वो भी सिग्निफिकेंट फॉस्फेट सोलिबलाइजिंग बैक्टीरिया की तरह कार्य करते हैं। तो जो सॉयल फॉस्फोरस है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, जो सॉयल फॉस्फोरस है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, सबसे पहले तो क्या होगी उसकी सोलिबलाइजेशन होगी एंड अगर इसकी इमोबलाइजेशन होगी तो दोबारा से सॉयल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये था अबाउट सॉयल फॉस्फोरस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कैसे अवेलेबल। नेक्स्ट वन इज़ फाइटो हॉर्मोन प्रोडक्शन। फाइटो हॉर्मोन आर वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रदर देन न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स दैट कंट्रोल और रेगुलेट जर्मिनेशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। आइए, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राइजोबैक्टीरिया प्लांट इंट्रैक्शन के अंदर। आइए, एसोसिएट होता है प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म में अगेंस्ट ए नंबर ऑफ पैथोजेनिक एक्शन। It is associated with the defense mechanism against a number of phytopathogenic bacteria that enhance the susceptibility of plant to the bacterial pathogen by exogenous application of IAA. Next is cytophore production. To satisfy nutritional requirement of iron, microorganisms have evolved highly specific pathway that employs the low molecular weight iron chelators termed cytopores. The cytopores होते हैं secrete होते हैं solubilize iron को, जो सराउंडिंग में क्या है गाइस सोल्यूबलाइज आयरन है उसको अंदर ले जाने के लिए जो यूज़ होते हैं वो यूज़ होते हैं साइड्रोपोर्स। ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं फेरिक साइड्रोपोर्ट जो मूव होता है डिफ्यूज़न के द्वारा और वापस सेल सरफेस पे आ जाता है। इन सॉयल साइड्रोपोर प्रोडक्शन एक्टिविटीज प्लेज अ सेंट्रल रोल इन डिटरमाइनिंग द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू इम्प्रूव प्लांट डेवलपमेंट। माइक्रोबियल साइड्रोपोर्स इनहांस आयरन अपटेक बाय प्लांट्स दैट आर एबल टू रिकॉग्नाइज द बैक्टीरियल फेरिक साइड्रोपोर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हम इंडक्ट मेथड पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।